everyone. Myself Rajat, co-partner of Bhagwati Lighting Industries. I really thanks to IID, which is working with the MSME to promote the entrepreneurship in India. I thanks a lot to them for visiting my factory. इसको हम बेयर पीसीबी बोलते हैं। फिर ये प्रिंटर है, प्रिंटर पे जो इसके ऊपर जो पैड दिखते हैं इसके ऊपर पेस्ट होता है। पेस्ट के बाद इसको 3 से 5 सेकंड का टाइम लेता है ये पेस्ट करने में। पेस्ट के बाद यहाँ से फिर माउंटिंग मशीन पे जाता है। सिस्टम में पहले इसकी प्रोग्रामिंग दी जाती है। फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट से सेंटर बनते हैं इसके। ये SMT मशीन है सर, इसको SMT मशीन बोलते हैं। ये प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। ये हमने ये PCB इसमें लगा दिया। अब इसकी प्रोग्रामिंग ये यहाँ पे सेंटर सेट करते हैं इसका। ये हमारी माउंटिंग स्टार्ट हो गई है। इसका काम सिर्फ इतना ही, माउंटिंग करती है। माउंटिंग के बाद जब ये फाइनल हो जाता है तो इसको रिफ्लो पे लेके जाते हैं। रिफ्लो पे लेके जाने के बाद वो जो हीट पेस्ट होता है उसको हीट करता है। ये एक बेयर बोर्ड 32 पीस का होता है, 32 पीस का एक पैनल होता है। एक पैनल को पूरा करने में 409 सेकेंड लगते हैं। अब ये माउंटिंग हो चुकी है। माउंटिंग के बाद इसका नाम है रिफ्लो, ऑन भी बोल सकते हैं हम इसको। ये एक हीटिंग का काम करता है। ये एक पैनल को 32 पीस को पकाने में जो लंबा पैनल होता है T5 वगैरह का पैनल लाइट वगैरह का 5 से 7 मिनट का टाइम लेता है। हीट हो गई है, पक गया पैनल। अब इसके बाद इसको टेस्टिंग पे लेके जाते हैं। ये सर टेस्टिंग मशीन बोलते हैं इसको, PCB टेस्टिंग मशीन। ये DC to DC है, सिर्फ DC वाली PCB टेस्टिंग करेगी। अब जैसे इसमें ना कोई ड्राइवर लगा हुआ है ना कुछ लगा हुआ है, इस पर टेस्टिंग करते हैं ऐसे। तो जो आपके सामने पैनल दिखाई दे रहा है इसको DOB MCBC भी कहते हैं। इसका मतलब है ड्राइवर ऑन बोर्ड। इसके जो ICs है इसी के अंदर होती है। सबसे पहले जो रोल आता है, क्योंकि LEDs के अंदर हीट बहुत ज़्यादा होती है, हीट को डिसिपेट करने के लिए हमें इस जो PCB है इसको हमें हीट सिंक कंपाउंड के थ्रू, इसको हीट सिंक कंपाउंड कहते हैं, ये नॉर्मली हैंड से हमें लगाना पड़ता है। इसको लगाने के बाद इसके ऊपर हम जो भी हमारा MCPCB है या DOB है उसको हम प्लेस करते हैं। इसको फिक्स करने के लिए हमें इसके ऊपर स्क्रू फिट करना पड़ता है। स्मॉल स्क्रू होते हैं जो मशीन के थ्रू, जो आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रू ड्राइवर है, उसके थ्रू हम स्क्रू इसके अंदर पुट करते हैं। उस केस में हमारा पीस कुछ ऐसा हो जाता है, हमने हीट सिंक कंपाउंड लगा दिया और ऊपर से उसको स्क्रू लगा दिया। ये जो आप देख रहे हैं इसको MOV कहते हैं। इसको लगाने, इसको हम जो हमारा DOB MCPCB है उसके डायोड के ऊपर हम इसको सोल्डरिंग करते हैं। इसका में बेनिफिट ये होता है कि अगर वोल्टेज ज़्यादा आती है तो ये इसके अंदर चली जाती है और ये बर्न हो जाता है, हमारे PCB को सेव कर देता है।
ये इसका बेस है जिसको हम B22 कहते हैं, E27 भी होते हैं। इस B22 के अंदर वायर लगा होता है हमारे को, इसको जो इसका बेस होता है उसके अंदर B22 को लगाना होता है। उसके बाद हम देखेंगे इसकी पंचिंग कैसे की जाती है ताकि ये बाहर ना निकले, और जो हमारा टिक्की है, हीट सिंक है, इसको हम फिक्स कैसे करते हैं और डिफ्यूजर को फिक्स कैसे करते हैं। जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, ये आप इजीली असेंबलिंग कर रहे हो, आप देख सकते हैं नॉर्मल एक 10 वोल्ट के आयरन के साथ में सोल्डिंग लगाने के बाद कितना इजीली हम जो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव का वायर है वो इस MCPCB के ऊपर लगाते हैं और फिक्स कर देते हैं। इसका इस मशीन का नाम है न्यूमेटिक टिक्की फिटिंग मशीन। जैसे कि न्यूमेटिक ये प्रेशर से चलती है, ये आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कितनी स्पीड से आप काम कर पाते हैं। इस मशीन के साथ इजीली आप एक बंदा 15,000 पंचिंग कर सकता है इजीली। ये मेरा हाई प्रोडक्शन के लिए 12 सिलेंडर वाला पंचिंग और टेस्टिंग मशीन है। इस मशीन पे जब तक हमने अपना B22 को पंच नहीं किया है, ये अभी हम इसके अंदर पंच नहीं हुआ है, उस पीस को हम इसमें लगाएंगे। तो इसमें हमारा दोनों काम हो गया है, टेस्टिंग भी हो गया है और पंचिंग भी हो गया है। ये हाई प्रोडक्शन के लिए, हाई वैल्यू के लिए चाहिए होती है। आप नॉर्मल पंचिंग मशीन भी आती है जिसका प्राइस 800 रुपये होता है, और टेस्टिंग आप नॉर्मल होल्डर से भी कर सकते हैं अपना। लाइट को डिफ्यूज करने के लिए इसके ऊपर डिफ्यूजर लगाया जाता है सिंपल। इसके अंदर लोक होता है और इसके अंदर भी एक स्मॉल लोक होता है। उस लोक को मैच करने के बाद, लगाने के बाद सिंपली ऐसे बंद कर दिया जाता है। अब आपका बल्ब विद डिफ्यूजर विद टेस्टिंग हो गया। अब हम देखते हैं कि इसकी लाइट कैसे बंद करती है। ये माल को बनाने के बाद उसको टेस्ट किया जाता है ताकि वो अलग अलग वोल्टेज पे काम कर पाता है नहीं कर पाता है। इसके अंदर हमने इसको अलग अलग वोल्टेज पे किया हुआ है, 277, 240 वोल्टेज और 140 वोल्टेज। ये हाई प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास ये मशीन है जो एक घंटे के अंदर 1600 बल्ब का टेस्टिंग करने का रिपोर्ट देती है। लेकिन अगर स्मॉल स्केल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सेम यही चीज़ स्मॉल लेवल का 8,500 रुपये का आता है, जो अलग अलग वोल्टेज पे ऑन ऑफ स्विचिंग के साथ प्रोडक्ट को चेक करता है। ये ACDC रिचार्जेबल बल्ब की बैटरी है जिसके ऊपर जो बल्ब है लाइट जाने के बाद भी लाइट देता है। इस तरीके से ये बैटरी है, बिल्कुल रेडी है, रेडी टू यूज़ है। इसको हम बल्ब में भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि लिथियम आयन सेल जो ACDC रिचार्जेबल बल्ब है उसके लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट होती है। अब हम देखेंगे कि ये बल्ब फिर कैसे काम करता है। ये मेरे हाथ में LED बल्ब है, इसमें कोई AC की इनपुट नहीं है। सिंपली मैंने इसमें पानी डाला है तो देखिएगा ये बल्ब काम कर रहा है। ये अभी DC के ऊपर काम कर रहा है, जो लिथियम आयन सेल बनाया था उसी के ऊपर अभी लाइट बन हो रही है। ये भगवती लाइटिंग इंडस्ट्रीज का पैड प्रिंटिंग और लेजर प्रिंटिंग का सेक्शन है। जो आप सामने देख रहे हैं ये लेजर प्रिंटिंग मशीन्स हैं। लेजर प्रिंटिंग मशीन का बेनिफिट ये होता है कि आपको इसमें इंक यूज नहीं करना पड़ता है, और ना ये केवल आपको LED बल्ब्स के ऊपर प्रिंटिंग कर सकते हैं। आपका कोई भी मेटल की क्यों ना आइटम हो, चाहे आपका घर के स्टील के बर्तन हो, मोबाइल्स हो, चार्जर्स हो, प्लास्टिक हो, कोई भी आइटम्स हो, उसके ऊपर ये प्रिंटिंग कर देती है। एक तरीके से इसको इंग्रेविंग कर रहे हैं, जैसे आप वीडियोस के अंदर देख रहे हैं, यहाँ पे इसका लेजर का सोर्स है और उस पर इंग्रेविंग कर देता है, और इस तरीके से यहाँ पे प्रिंटिंग हो जाती है। मार्केटिंग सिनेरियो की बात करते हैं, इनिशियली आज से 6-7 साल पहले जो LED का लाइट था, कॉस्टिंग था, वो बहुत हाई था। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो उज्ज्वल योजना चलाई गई उसके द्वारा इसका प्राइस इतना डिक्रीज हुआ, क्योंकि कोई भी आइटम जब हाई बल्क क्वांटिटी के अंदर बनाई जाएगी तो एक वो ऑप्टिमम कॉस्ट पे यूज हो जाती है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि LED लाइट्स का बल्ब का प्राइस जो काफ़ी डिक्रीज हुआ है,
और अगर हम ग्रोथ की बात करें तो इंडिया ने आज की डेट में लाइटिंग के अंदर इतनी अपनी पकड़ बना ली है कि वो धीरे धीरे अभी भी एक्सपोर्ट हम अभी भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे 2025 तक इंडिया का एक्सपोर्ट एलईडी लाइटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। तो इसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारी जीत केवल इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के अंदर नहीं हो पाई है, बल्कि हम कैपेबल हो गए हैं कि इंडिया से हम एक्सपोर्ट भी कर पाएं एलईडी लाइटिंग्स को। और अगर हम एंड यूजर की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरर की बात करते हैं, तो मैन्युफैक्चरर उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कितने अमाउंट के साथ वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं इस व्यवसाय को करना तो आपका पूरा साथ देगा IID यानी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आपको आपके बिजनेस की कोर एक्टिविटी की पूरी जानकारी एक्सपर्ट एपिसोड, बैंकेबल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और लाइव वर्कशॉप प्रोवाइड कराता है और साथ ही आपके बिजनेस के रजिस्ट्रेशन में आपका पूरा सहयोग भी देता है। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करिए www.iid.org.in पर या कॉल करिए 760-76555 पर।